भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के लिए आपदा विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट किया गया है। जिला पदाधिकारियों को माइनिंग कराने एवं जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। लगातार निगरानी रखने हेतु भी निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर पियाऊ और पेयजल की व्यवस्था, लू प्रभावितों के इलाज हेतु अस्पतालों में विशेष व्यवस्था, कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था, लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। आपदा विभाग के पदाधिकारी विभाकर कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव की दिशा में कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके इसके लिए आवश्यक सुविधा सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उपायुक्त महोदय की लीडरशिप में एवं अपर समाहर्ता के कुशल देखरेख में हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हीट वेव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित करें। साथ ही साथ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिला के वेबसाइट पर इसको अपलोड करें। नया जो गाइडलाइन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। DDMA के द्वारा IMD से जो फोरकास्ट प्राप्त होता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डिसेमिनेट किया जाता है। DDMA के द्वारा जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। प्रचुर मात्रा में ORS एंड इंट्रावेनस फ्लूड्स सभी हॉस्पिटल में रखने के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। साथ ही DSWO को भी ORS एंड इंट्रावेनस फ्लूड रखने के लिए आंगनवाड़ी में निर्देशित किया गया है। लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए एडेक्वेट वेटनरी मेडिसिन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। DSC को एडवाइस दिया गया है कि आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी किसी प्रकार का गर्मियों के दौरान न हो। नगर परिषद पदाधिकारी को शहर के ऐसे वल्नरेबल साइट को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती हो, इसके लिए उन्हें वहाँ एडेक्वेट मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। मनरेगा वर्कर्स को ये सलाह दी जाती है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में अपना काम ना करें। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जिला प्रशासन को दिया जाता है उसका अक्षरशः पालन जिला आपदा प्रबंधन विभाग लोहरदगा के द्वारा किया जाता है। गर्मी के दिनों में जो हम लोगों के यहाँ जो गर्म हवाएं चलती हैं आप उसको मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि हीट वेव इसी को कहते हैं। बेसिकली इसमें बॉडी जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है बाहर का एटमोसफेयर उससे इतना ज़्यादा गैप होता है कि संभावनाएँ होती हैं कि आपके शरीर से जो पानी की मात्रा है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका सीवियर इम्बैलेंस होता है कई बार। तो उसके चलते क्या हो सकता है कि उनको पेशेंट को तरह तरह की बीमारी हो सकती है। बेसिकली अगर सही मायने में देखा जाए तो हीट वेव से अफेक्टेड आदमी का सिम्टम्स कुछ भी हो सकता है, मिलियर्ड ऑफ सिम्टम्स होता है। जैसे सिंपल अगर है तो उसको हल्का टायर्डनेस लग सकता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, कई बार ये जानलेवा भी होता है। इसका पहचान का निशान यही है कि ऐसे लोगों को यूजुअली पसीना कम आता है लेकिन जो डिहाइड्रेशन होता है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है और कभी कभी उल्टी भी होती है, दस्त भी होता है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी होती है। इन परिस्थितियों में असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्नोसिस करना, कि आप सबसे पहले उसको पहचानिए कि हीट वेव से अफेक्टेड है वो आदमी, तो उसको पहचानना अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो यू डोंट लीव हिम, आप उसको ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट के लिए है आपको अतिरिक्त पेय पदार्थ देना पड़ेगा। सिंपल पानी कोई पिएगा तो उससे आपका हीट वेव्स नहीं आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, तो बेसिकली उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला करके है कि आपको कम से कम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को तुरंत करेक्शन करना है। और रही बात, कई बार ऐसा होता है
कि इतना के बाद भी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी इलेक्ट्रोल पाउडर या ORS ले रहा है, इसके बाद भी वो अच्छा फील नहीं करता है, तो उसको तुरंत अस्पतालों में दिखाना चाहिए। ORS जो पैकेट आता है वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ अगर मान लीजिए हाइड्रोथेरेपी की ज़रूरत है, पेरेंटरल हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें उसको नस से हम लोगों को पानी चढ़ाना पड़ता है, तो वैसे स्थिति में भी कि आप समझ लें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हीट वेव से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनका जो वाटर रिजर्व होता है बॉडी का वो बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा भी डिप्लीशन हुआ तो अचानक वो इतने ज़्यादा वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं कि कई बार उनको बचाना मुश्किल होता है। तो ये सब होना है। उसके अलावा जो सावधानी बरतने की बात है, तो हम पिछले बार कई बार भी हम ये बात बोल चुके हैं कि जैसे आप ठंड में ठंड मौसम से अपने को बचाते हैं कपड़े पहन करके, एग्जैक्टली द सेम थिंग आपको अभी गर्मियों में भी करना है। आपका शरीर बिल्कुल बुरी अच्छी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ना निकलें। और मेरा कहना है कि खास करके अब जब मानसून करीब करीब आने वाला है, तो ये फेज जो है ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी है, और साथ साथ में जो वातावरण में आर्द्रता है जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई रहता है। तो ऐसे स्थिति में हाई टेम्परेचर इन ए वेरी हाई ह्यूमिडिटी चांसेस होता है कि आपको हीट हाइपरपायरेक्सिया हो, और हीट हाइपरपायरेक्सिया जो है वो काफ़ी ही फैटल है, उससे जान जाने की भी संभावना होती है। सचेत रहें, सावधान रहें, और सही जानकारी लें। अगर ज़रूरत पड़े तो सही अस्पतालों में इलाज कराएं। अभी हमारा जितना भी सरकारी अस्पताल है सब सक्षम है, और हम लोग कर सकते हैं इसका इलाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।